देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम विवाह संबंधी प्रकरण दर्ज होने का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित 3 तलाक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू की है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुछ समय पूर्व 3 तलाक देना एक कानून अपराध में दर्ज किया गया। इसी मामले में जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाली जरीन पति नवाब खान निवासी विजय पैलेस ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। एडिशनल DCP अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि जरीन की शादी नवाब खान से गत जनवरी में हुई थी, लेकिन शादी के एक महीने के बाद ही दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगे। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि उसके पति और उसके परिजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वही एक दिन विवाद में पति ने उसे 3 बार तलाक बोलकर उसके घर भेज दिया। हालांकि जूनी इंदौर पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम विवाह संबंधी कानून के तहत और दहेज की धारा 491 के तहत नदीम बेग, नावेद बेग, दाल उर्फ आयशा बेग और सूफिया बेग के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में विजय पैलेस कॉलोनी में एक महिला के द्वारा ये शिकायत करी गई कि उसके पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे और प्रताड़ना देने के बाद में मौखिक रूप से 3 बार तलाक कहकर उनको तलाक दिया और घर से निकाल दिया था। जिसकी शिकायत मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, आरोपी पक्ष से भी पूछताछ की जा रही है और अन्य जो परिवार वाले उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस प्रकार से जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।